वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बारे में। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, टायर वन SSC CGL टायर वन और टायर टू दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। टायर वन में आपके 5 से 10 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं और टायर टू में इससे करीबन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। पिनाकल आपके लिए एक पूरी सीरीज लेकर आया है, ये 20 पार्ट्स की सीरीज होगी, 20 लेक्चर हिंदी में और 20 लेक्चर इंग्लिश मीडियम में, और उसी सीरीज का ये पार्ट फोर है। हमने आपके लिए वैरायटी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं ताकि मैक्सिमम कवरेज हो सके। तो शुरुआत करते हैं हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पार्ट फोर से। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेल करते हैं और कहते हैं कि आपके काफ़ी सारे लेक्चर्स प्राइवेट हैं। यस, हमारे काफ़ी सारे लेक्चर्स प्राइवेट हैं और कुछ ही हमारे लेक्चर्स हैं जो कि पब्लिक डोमेन में हैं। अगर आप हमारे जो पिनाकल की ओर से जो सीरीज स्टार्ट की जाती हैं, जो वीडियो लेक्चर्स हैं, मटेरियल है, उनका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है SSCCGLPinnacle.com। आप इसको विजिट कर सकते हैं और विजिट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे 80 प्रोडक्ट्स फॉर SSC CGL यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो पिनाकल हम स्पेशलाइज्ड कोचिंग ऑफर करते हैं SSC CGL के लिए। हम बैंकिंग के साथ क्लब नहीं करते हैं या किसी और एग्जाम के साथ क्लब नहीं करते हैं, क्योंकि हर एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको स्पेशल कोचिंग की जरूरत होगी। मैथ्स सब में आएगा लेकिन SSC CGL में अलग आएगा, बैंकिंग में अलग आएगा, NDA में अलग आएगा, क्लैट में अलग आएगा, IAS में अलग आएगा। तो हम स्पेशलाइज्ड कोचिंग ऑफर करते हैं SSC CGL के लिए। हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हर किसी को कैटर करे, नो, और इस तरह के प्रोडक्ट्स होते भी नहीं है। तो आप इन 80 प्रोडक्ट्स फॉर SSC CGL को देख सकते हैं। इसमें टायर वन की टेस्ट सीरीज है, टायर टू की टेस्ट सीरीज है, एक्सक्लूसिव कोचिंग फॉर इंग्लिश है, एक्सक्लूसिव कोचिंग फॉर मैथ्स है। 80 प्रोडक्ट्स टोटल हमने डिजाइन किए हैं और आगे भी इन फ्यूचर और भी इसमें ऐड करेंगे। तो आप इनको देख सकते हैं और जो भी आप ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चाहते हैं जो सब कुछ कवर करे आपके लिए, तो फिर हमारा ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है पिनाकल SSC CGL 2016 and 2017 ऑनलाइन कोचिंग बैच। ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये सभी 80 प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूडेड है। और इन फ्यूचर भी जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो इसका हिस्सा होगा। 2016 और 17 SSC CGL के लिए ये एप्लीकेबल है। केवल वीडियोस देखने से भी बात नहीं बनती है, आपको पहले बेसिक ग्राउंड वर्क करना है। हर प्रकार के रूल्स, ट्रिक्स, एक्सप्लेनेशंस, गाइडेंस सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। आपको 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी नोट्स आपको मिलेंगे और साथ में सपोर्ट करने के लिए वीडियो लेक्चर होंगे। आपको एक बार आप इसका हिस्सा हो जाते हैं, इमीडिएटली 500 वीडियोज की एक्सेस मिलेगी आपको इमीडिएटली। और इसके अलावा हमारा प्लान है कि 2016 के अंत तक हमारी ये जो वीडियोज हैं ये करीबन हम इसमें 300-400 वीडियोस और ऐड करेंगे, और वीडियो मेकिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं भरपूर फायदा उठाने के लिए। ये मैं केवल उन स्टूडेंट से कह रही हूं जो SSC CGL के लिए स्पेशलाइज्ड कोचिंग चाहते हैं। अगर आप CGL के लिए कुछ और भी चाहते हैं, एक जनरल सी कोचिंग चाहते हैं, तो पिनाकल आपके लिए नहीं है। पिनाकल एक पेड चैनल है क्योंकि हम हाई क्वालिटी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। हाई क्वालिटी चीजों के लिए आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट पे करनी होती है, फ्री में चीजें नहीं हो सकती हैं क्योंकि हमने काफी एफर्ट पुट इन किया है अपनी तरफ से। जिन लोग स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है वो हमारा हार्ड ड्राइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव कोर्स के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ही आप इन दोनों पर क्लिक करेंगे आपको सभी डिटेल्स पेमेंट गेटवे पर ले जाएंगे और सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। आपकी किसी भी प्रकार की अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कुछ खरीदने से पहले आप कॉल कर सकते हैं 9729327755। ये नंबर है, आप इस पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की संतुष्टि के बाद आप ऑप्ट करें। तो अब हम शुरुआत करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। ये हमारा पार्ट फोर है। द स्टूडेंट्स आर हेलबेंट एट गेटिंग द एग्जाम पोस्टपोन्ड। हमारा अंडरलाइंड पार्ट ये जो है, हेल्प बिल्ट एट गेटिंग सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक सेंटेंस मिलेगा, उसका एक पार्ट अंडरलाइंड होगा, 4 उसके ऑप्शंस होंगे, आपको बताना है कि कहां एरर है, ठीक है। तो हेल्प बिल्ट ऑन गेटिंग,
हेलबेंट फॉर गेटिंग, हेलबेंट अप गेटिंग और फाइनली एक डी पार्ट होता है जो होता है नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो सेंटेंस दिया हुआ है आपके अनुसार वो सही है। यहां पर जो हमारा एरर या इम्प्रूवमेंट है वो हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड है। इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड है, ये देखिए आप, हेलबेंट ऑन गेटिंग, ये हमारी इडियम है। हेलबेंट ऑन गेटिंग का मतलब होता है किसी काम को करवाने के लिए बिल्कुल जिद पकड़े हुए है, हेलबेंट ऑन गेटिंग होता है। हेलबेंट एट गेटिंग इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर है आंसर ए। क्वेश्चन नंबर टू, द मदर टॉट हर सन हाउ टू ओपन हिज लेसेस। हम हिंदी में कहते हैं ना फीते खोलना, लेसेस क्या होते हैं, शू लेसेस, जूते के फीते होते हैं शू लेसेस, ठीक है, हम हिंदी में कहते हैं फीते खोलना और बहुत बार हम हिंदी से ट्रांसलेट कर देते हैं जब हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। अगर मैं हिंदी में कहती हूँ आपका शुभ नाम क्या है तो हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, पर ये बातें इनकरेक्ट हैं। बहुत बार हिंदी में जो बात कही जाती है उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं चलता है। यहां पर हम कह रहे हैं द मदर टॉट हर सन हाउ टू ओपन हिज लेसेस, यहां पर जूते के जो फीते होंगे लूज, लूज ये वाला जो लूज है ये खोना होता है, ये लूज जो होता है बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जो लूज है इसका मतलब है ढीला करना, इसका मतलब है ढीला करना, जबकि इसका मतलब ढीला करना नहीं है। मुझे कुछ स्टूडेंट से कह सकते हैं कि मैम मदर ये भी तो सिखा सकती है कि जूते के फीते ढीले कैसे करने हैं, पर लूज जो है ये ढीला करना नहीं है, लूज केवल ढीला है। अगर मैं कहती हूं कि ये ड्रेस मेरे लिए ढीली है तो मैं कहूंगी द ड्रेस इज लूज, लेकिन लूजन जो होता है ये होता है ढीला करना, ये एक वर्ब है, क्रिया है, इसमें आपको साथ में लूजनिंग लूजेंड वगैरह लगाना है, लेकिन लूज जो है लूज जनरली एक एडजेक्टिव के रूप में विशेषण के रूप में प्रयोग होता है और लूजन जो है ये वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, तो यहां पर लूजन है ही नहीं। तो टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अनटाई करेक्ट वर्ड है, फीते बांधना और फीते खोलने के लिए इंग्लिश में जो प्रयोग होगा वो होगा टू टाई एंड अनटाई, ये इस्तेमाल होता है, इसलिए आंसर जो है आंसर हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर थ्री, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने पार्ट वन देखा, इसका क्वेश्चन नंबर वन जो था इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर टू जो था वो थोड़ा वोकैबुलरी से रिलेटेड था। अब हम चलते हैं थ्री पर। वी हैड नथिंग टू ईट टूडे बिफोर वी वेंट टू स्कूल, ये हमारा टेंसेस से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि हैड और हैड का प्रयोग एक साथ कब होगा या फिर हैव हैड का प्रयोग एक साथ कब होगा, ये उसी से रिलेटेड है। उनको लगता है कि यहां गड़बड़ है पर ऐसा नहीं है। यहां पर हम पास्ट की दो घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि स्कूल जाने से पहले आज हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं था। दो घटनाएं हुई पास्ट में, एक तो आपका स्कूल जाना और एक आपका कुछ खाने के लिए ना होना, दो घटनाएं हुई हैं। जब भी दो घटनाएं पास्ट में होंगी, जो पहले वाली घटना होती है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगी। पास्ट परफेक्ट का मतलब है आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यहां पर और हैव का जो प्रयोग है, हैव और हैड का, वो खाना खाने के लिए भी होता है। आई हैड नथिंग, आई हैड अ बर्गर, आई हैड अ पराठा इन द मॉर्निंग, आई हैड अ सैंडविच इन द मॉर्निंग। तो जब पास्ट परफेक्ट बनेगा कि हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था, तो हैड के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव की थर्ड फॉर्म हैड ही लगानी होगी। तो वी हैड हैड नथिंग टू ईट टुडे बिफोर वी वेंट टू स्कूल, आंसर जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर फोर, ही ट्राइड हार्डली एंड दैट लेड टू हिज सक्सेस। हार्डली का मतलब क्या होता है, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। जैसे मैं कहूं कि मुझे मुश्किल से अपने लिए समय मिलता है, आई हार्डली गेट टाइम फॉर माई सेल्फ। जहां भी आप हार्डली देखे दो चीजें जरूर ध्यान में रखना कि हार्डली के साथ नॉट नहीं लगता, हार्डली ऑलरेडी एक नेगेटिव शब्द है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसने मुश्किल से कोशिश की ही थी कि उसे कामयाबी मिल गई, ये कह रहा है हमारा सेंटेंस। एंड जो है ये एक जैसी चीजों को जोड़ता है, मैं कहूंगी कि उसने बहुत कोशिश की और उसे कामयाबी मिल गई, कोशिश करेगा तो कामयाबी ही मिलेगी,
लेकिन जब मैं ये कह रही हूँ कि उसने मुश्किल से कोशिश की ही थी और उसे कामयाबी मिल गई, ये गलत हो गया। एंड एक जैसी चीजों को जोड़ेगा, लेकिन जब ऑपोजिट चीजें हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि वह बहुत आलसी है परंतु वह प्रथम आया, तो मुझे परंतु जैसा शब्द इस्तेमाल करना है जो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को जोड़े। यहां पर he tried hardly and that led to his success, ये explanatory जो हमने words use किए हैं ना बीच में, ये गलत हो रहे हैं। तो hardly had he tried and that led to his success, had he tried hardly and that led to his success, he had tried hard and that led to his success। जो question number 4 है इसका ये part C बिल्कुल सही है कि उसने बहुत कोशिश की थी और उससे उसे कामयाबी मिली, बिल्कुल सही। हार्डली के साथ एंड का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इसलिए हमारा जो आंसर है आंसर सी में है। यहां पर इन वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूं, क्योंकि बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं आपके ग्रामर के बारे में जो क्लियर होने चाहिए। अगर आप उनको क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरे ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस देखिए, और बिल्कुल शर्माइए मत, हिचकिचाइए मत। हो सकता है कि जब आपने पहले ग्रामर पढ़ी हो बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ी हो, पढ़ाने वाला बिल्कुल अलग रहा हो, कभी कभी आपको बिल्कुल बेसिक चीजों में दिक्कत होती है, कोई शर्म की बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से आप स्टार्ट कीजिए। और इस बार ये सोच के स्टार्ट कीजिए कि इस बार मुझे ठीक से करना ही है, ये मैं ग्रामर का बेसिक्स आखिरी बार कर रहा हूं और इस बार बिल्कुल क्लियर करूंगा। आप मेरे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखिए, डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। और जो हमारे ऑनलाइन कोचिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखिए, उसके बाद हर ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड आपको 400-500 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज दी गई है, आप उन सबको कीजिए, सपोर्टिंग वीडियोस देखिए और उसके बाद इन सीरीज वाली चीजों को देखिए, डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। और अगर मेरे लायक कोई भी सेवा हो, आप कुछ भी और चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पर आपके लिए वीडियोस बनाऊं, कैसा भी आपका क्वेश्चन हो, आपको लगे कि बहुत ज्यादा सिंपल पूछ रहा हूं मैं मैम से, फिर भी आप पूछिए, आप पूछिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स छोड़िए और डेफिनेटली पिनाकल टीम इस पर कार्रवाई करेगी। तो यहां पर ही हैड ट्राइड का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द क्लर्क इंक्वायर्ड व्हाट वाज माय पर्पस। यहां पर सेंटेंस स्ट्रक्चर का एरर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है हमारा वो गलत है। मैं आपको समझाती हूं कैसे। जहां पर भी इस तरह की क्वेश्चनिंग वर्ड्स जो होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ इत्यादि, अगर इनका प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो रहा है तो उनके तुरंत बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। द क्लर्क इंक्वायर्ड व्हाट माय पर्पस वाज, व्हाट माय पर्पस वाज पार्ट ए होगा। यहां पर माय, एक स्टूडेंट ने मुझे मेल किया था जब हमने ये मटेरियल उसको भेजा था कि मैम माय पर्पस इज भी तो हो सकता है। माय पर्पस इज इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये नरेशन का है और इसमें हमारी जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, वो पास्ट टेंस में है, तो टेंस पीछे अंदर चेंज होगा, तो व्हाट माय पर्पस इज नहीं हो सकता, आंसर ए में है, 5A। क्वेश्चन नंबर 6, The leader of the students' union has waited to meet the vice chancellor for more than 2 hours now. यहां पर tenses से related improvement हमें करना है। The leader of the students' union has waited to meet the vice chancellor for more than 2 hours. Has waited. स्टूडेंट्स लीडर जो है उसने पास्ट में इंतजार करना स्टार्ट किया, अभी तक वो इंतजार कर रहा है, साथ में कितने समय उसने इंतजार किया आपको ये भी दिया हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग का मतलब क्या हुआ, हमें हैज लगाना है, हमें बीन लगाना है, हमें वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है। तो द लीडर ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन हैज बीन वेटिंग, यहां पर हैज बीन वेटिंग है, स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर के साथ सिंगुलर लगेगा इसलिए ये एलिमिनेट हो गया, तो हमें हैज बीन वेटिंग, आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 7, द ओल्ड मैन रिमूव्ड सम फॉलन ट्रीज फ्रॉम द वे विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल, विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। यहां पर एडवर्ब से रिलेटेड रूल्स आपको आने चाहिए तब आप इसको कर पाएंगे।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी एक क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ, हार्डली के साथ नो का प्रयोग नहीं होता, इसलिए हमें जो दिया हुआ है वो इसमें एरर है, ये दिक्कत है इस पार्ट में, हार्डली नो में। हार्डली के साथ हमें एनी का प्रयोग करना है, ठीक है, हार्डली के साथ हमें एनी का प्रयोग करना है। द ओल्ड मैन रिमूव्ड सम फॉलन ट्रीज फ्रॉम द वे विद हार्डली एनी एफर्ट, तो एरर जो है हमारा पार्ट बी में है। हार्डली जो है एक एडवर्ब है कि मुश्किल से, कैसे किया, मुश्किल से, मैं मुश्किल से अपने लिए समय निकाल पाती हूं, मैं मुश्किल से कहीं घूमने जा पाती हूं, मतलब मेरे पास उस चीज के लिए टाइम ही नहीं है। हार्डली के पहले ए नहीं लगेगा, ये कोई काउंटेबल चीज नहीं है, तो सी एलिमिनेट हो गया। हार्ड एफर्ट नहीं होगा क्योंकि पीछे एट ऑल लगा हुआ है, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। क्या बचा हमारे पास, बी बचा, तो बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, द स्कूल पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू एंश्योर दैट द राइट एटमोस्फियर इज क्रिएटेड, क्वेश्चन नंबर 8, और हमारा हाईलाइटेड पार्ट है पुट्स इन, और यहां पर ये फ्रेजल वर्ब से संबंधित आपको दिया गया है। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल एग्जाम्स के लिए, इस पर मैंने आपके लिए ए टू जेड एक पूरी सीरीज बनाई है, अल्फाबेट ए से शुरू होने वाले सभी फ्रेजल वर्ब्स बी से, सी से, डी से, इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में बनाए हैं, आप उनको देखिए। द स्कूल पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू एंश्योर दैट द राइट एटमोस्फियर इज क्रिएटेड, पुट इन का मतलब क्या होता है, पुट इन का मतलब होता है किसी चीज के लिए जोर लगाना, ठीक है। आई एक्सपेक्ट यू टू पुट इन एफर्ट, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप जोर लगाएंगे, वी आर पुटिंग इन एफर्ट फ्रॉम आवर साइड, हम अपनी ओर से जोर लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नो इंप्रूवमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द मैनेजर वॉन्ट्स हिज टीम टू क्लियरली रियलाइज दैट टारगेट्स हैव टू बी मेट, क्वेश्चन नंबर 9, द मैनेजर वॉन्ट्स हिज टीम टू क्लियरली रियलाइज, द मैनेजर वॉन्ट्स हिज टीम क्लियरली टू रियलाइज नहीं होगा, द वॉन्ट्स हिज टीम टू रियलाइज क्लियरली ये भी नहीं होगा, टू क्लियरली रियलाइज हिज टीम भी नहीं होगा, ये जो आपको दिया गया है बिल्कुल सही है। द मैनेजर वॉन्ट्स हिज टीम टू क्लियरली रियलाइज दैट टारगेट्स हैव टू बी मेट, आंसर इज डी, 9D। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा वोकैबुलरी से संबंधित है, वोकैबुलरी से संबंधित है ये, आप थोड़ी रीडिंग कीजिए, आपको जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स की मैंने लिस्ट भेजी है जिसमें बहुत सारे शब्द हैं वो देखिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्ग अगो इन हिस्ट्री देयर वाज अ किंगडम इन्फेक्टेड विद माइस, इन्फेक्टेड INFECTED, ठीक है, इन्फेक्शन होता है ना, इन्फेक्शन हो गया पैर में हाथ में, हम इस तरह से बात करते हैं, ये वहां से आया, तो ये बीमारियों से संबंधित है, यहां पर बीमारियों से संबंधित नहीं होगा। अफेक्टेड इफेक्टेड ये असर से संबंधित है दोनों। इन्फेस्टेड करेक्ट है, इन्फेस्टेड का मतलब होता है किसी चीज से भरा हुआ, हर हेड इज इन्फेस्टेड विद लाइस, द पॉन्ड इज इन्फेस्टेड विद फ्रॉग्स, मतलब उससे वो भरा हुआ है। Long ago in history there was a kingdom infested with mice. तो error हमारा जो replacement है वो part A जो है वो highlighted part को replace करेगा। इसी के साथ ये video lecture खत्म होता है। I wish you all the very very best. And the same lecture has been made in English language also. For those students who wish to watch it in English, they can go for another lecture. I wish you all the very very best and thank you.